जी तो वीडियो को शुरू में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं भाई, सऊदी अरब में रहते हुए आप भाई कोई भी किसी किस्म का एहतजाज चाहे वीडियो पैगाम के थ्रू ही हो या किसी ऐसी कुछ आप लिख कर टैप करके फेसबुक वगैरह के ऊपर कुछ ऐसा मवाद अपलोड कर रहे हैं या कोई भी किसी किस्म का आप अपना एहतजाज चाहे वीडियो की सूरत में अपना खुद का अकेले का बनाकर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा रखे हैं या दो चार पाँच इकट्ठे दोस्त होकर कोई एहतजाज वगैरह कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सऊदी अरब में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूँ भाई, बात रखिएगा, बाकी आपको अभी मैं वीडियो कम्प्लीटली दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप भाइयों के साथ मैं एक वीडियो क्लिप शेयर करूँगा। यहाँ पर इस खातून का है जी, मैंने जब ये देखा है तो मैंने बोला कि आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है जी वो क्लिप, शायद मैं अच्छा जी मैं आपके साथ इनका ये क्लिप भी शेयर कर देता हूँ। और ये खाना काबा के सामने खड़े होकर इस खातून की तरफ से रिकॉर्ड किया गया है और गारमेंट साथ में इनके हस्बैंड ही हैं जी, इनकी तरफ से रिकॉर्ड किया गया है और सोशल मीडिया के ऊपर लगाया गया है। मैंने ट्विटर के ऊपर देखा, आपने शायद इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि टिकटॉक वगैरह के ऊपर कहीं देख लिया हो। ये खातून कह क्या रही हैं आप भी सुन लें और उसके बाद मैं एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कौन सी होंगी आपकी, आप उस बात से मुत्तफिक हैं या अपनी राय जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट पे। पहले मैं इसी हम इस खातून का जो क्लिप है वो देख लेते हैं जो मैं आपको शॉर्टली दिखाता हूँ। इस टाइम पर हम जिस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं वो है दुनिया और आखिरत की सुप्रीम कोर्ट, और इंसाफ असल में यहाँ से मिलता है। और आज हमने पाकिस्तान का और इमरान खान का देख लिया। मैं ये लॉन्ग आपको दिखा नहीं सकता, आपको पता है कुछ यूट्यूब की भी पॉलिसीज होती हैं। शॉर्टली आपको दिखा दिया, बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ। ये बोल रखी है दुनिया व आखिरत सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि खाना काबा का बात कर रही है जी। बिल्कुल सब मुसलमानों का इसके ऊपर ईमान है जी, हमारा भी ईमान है। अल्लाह ताला की ज़ात फैसले करने वाली है, वही इंसाफ करने वाली है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं करना चाहता हूँ, इनके हस्बैंड की तरफ से पीछे से कही गई जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले हाल ही में आ चुके हैं या किसी के मुतलक आ चुके हैं, मैं इसके मुतलक बात नहीं करूंगा। उस उन फैसलों को जुटला रखे हैं अगर सिंपल अल्फाज में बात करें तो बात ये मैं करना चाहता था आपके साथ सिर्फ कि अगर पानी का गिलास आपने किसी से लेना है तो आप पास बैठे हुए किसी दोस्त को बोलेंगे, किसी अजीज को बोलेंगे, अपनी माँ बहन को बोलेंगे मुझे पानी का गिलास पकड़ा दें। आप ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे अल्लाह ताला मुझे आकर पानी का गिलास पकड़ा दे। रब की जात ने भाई वसीले बनाए हुए हैं हर बंदे के, ठीक है, हर बंदे को हर बंदे से वसीला होता है, काम होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट हमारा बना हुआ है, एक इदारा है, उसकी तरफ से जो फैसले आएंगे वो हमें मंजूर हैं, ठीक है, करने ही होंगे। नामंजूर है तो हम उसके ऊपर रद्द अमल अपना जाहिर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि ये फैसले गलत हैं और हम ये बिल्कुल इनको नहीं मानते हैं और हम अल्लाह ताला की बारगाह में ये फैसला अपना छोड़ते हैं। तमाम फैसले अल्लाह ताला की बारगाह में छोड़े जाते हैं, आप छोड़े ना छोड़े वहां से होते ही हैं, ये तो क्लियर बात है। तो बहरहाल एक चीज क्लियर करूं कि वीडियो के शुरू में जैसा कि आपको बता चुका हूं, फिर क्लियर करता चलूं भाई, कोई भी किसी किस्म का एहतजाज या कोई ऐसा वीडियो रिकॉर्ड पैगाम वगैरह शेयर करने से पहले सोच लीजिएगा आप सऊदी में बैठे हुए हैं, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा इसके मुतल्लिक।